नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। हाल में रिलीज हुई द फैमिली मैन 2 की सूची काफी सुर्खियों में है। फिल्म में सूची और मनोज बाजपेयी पत्नी की भूमिका साउथ एक्ट्रेस प्रिया मणि निभा रही हैं। एक्ट्रेस प्रिया मणि इन दिनों अपनी सफलता का जश्न मना रही हैं। सुपरहिट थ्रिलर सीरीज फैमिली मैन 2 की सफलता के बाद साउथ एक्ट्रेस प्रिया मणि कई इंटरव्यू देती हुई नजर आ चुकी हैं। हाल ही में बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बॉडी शेमिंग और कलरिज्म पर खुलकर बात की है। एक्ट्रेस का कहना है कि इंस्टाग्राम पर जब वो फोटोज या वीडियोज पोस्ट करती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लोग उनके स्किन टोन का मजाक उड़ाते हैं। बॉडी शेमिंग को लेकर प्रिया मणि ने कहा, ऐसा कई बार हुआ है, जब सच कहूँ तो मुझे ट्रोल किया गया है। मैं 65 किलो की थी और मैं जो अब दिखती हूँ उससे ज्यादा दिखती थी, तो ऐसे में बहुत लोग बोलते थे कि तुम मोटी दिखती हो, तुम बड़ी दिखती हो। आज लोग कह रहे हैं कि तुम पतली क्यों दिख रही हो, हम तुम्हें वैसा ही पसंद करते थे जैसे तुम पहले दिखती थी। मैंने कहा, हेलो, अपनी सोच को बदलो और एक चीज पर टिको, तुम मुझे पसंद करते थे जब मैं मोटी थी या तुम मुझे अभी पसंद करते हो जब मैं पतली हो गई हूँ। वहीं प्रिया मणि ने स्किन टोन को लेकर कहा कि कई कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोग कहते थे कि मैं काली क्यों दिखती हूँ, तुम्हारा चेहरा सफ़ेद है लेकिन पैर काले हैं। मैं सोचती थी कि आखिर लोगों को हो क्या गया है, अगर मैं डार्क स्किन इंसान भी हूँ तो मैं फेयर होने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा रंग गेहुआ है। अगर मैं डार्क स्किन इंसान हूँ तो अपनी सोच को बदलो, किसी को काली मत बुलाओ क्योंकि काला इंसान खूबसूरत होता है। भगवान कृष्ण भी काले थे, वो भी खूबसूरत थे, काला इंसान भी खूबसूरत होता है, ऐसे कमेंट्स मत करो। प्रिया मणि ने भारत में कई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है। इन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ हिंदी फिल्म में भी काम किया है। मणिरत्नम की फिल्म रावण से इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में डेब्यू किया था। इसके बाद ये रक्त चरित्र 2 में भी नजर आई। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में इन्होंने डांस नंबर परफॉर्म किया था। और अब प्रिया मणि द फैमिली मैन के दोनों सीजन में मनोज बाजपेयी की पत्नी का किरदार निभाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।